बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां ईवीएम के दुरुपयोग की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तस्वीरों में बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता मेहर। ईवीएम से खिलवाड़ करते हुए बच्चे को देखा जा सकता है। चुनाव आयोग तक मामले की शिकायत पहुंच गई है, हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यहां पर एक बूथ के अंदर ईवीएम के पास एक बच्चा नजर आ रहा है, जो बीजेपी नेता है उनके साथ वो बच्चा है और वो यहाँ देखिए बटन दबाता है। हाँ, बस छोड़ दिए, छोड़ दिए, हो गई बेटा। क्या? चलो। ये वीडियो पोस्ट किया गया है, बीजेपी नेता ने ही ये वीडियो पोस्ट किया है, हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या? चलो। हाँ, बस छोड़ दिए, छोड़ दिए, हो गई बेटा। क्या? चलो। हाँ, बस छोड़ दिए, छोड़ दिए, हो गई बेटा। क्या? शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये वीडियो वायरल हुआ है, जरा बताएं इस वीडियो के बारे में। देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक बड़ा अपडेट बता दूं कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद भोपाल कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। और जो विनय मेहर, जो जिला पंचायत के सदस्य और बीजेपी के नेता भी हैं, इन्होंने अपने जो गांव है वहां पर मतदान किया था और अपने छोटे बच्चे को लेकर वो पहुंचे थे और उससे वोट डलवाया था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और बीजेपी नेता पर FIR दर्ज करा दी गई है। इतना ही नहीं, वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात पीठासीन अधिकारी और अन्य जो कर्मचारी थे जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनसे कारण बताओ नोटिस भी उनको भेजा गया है। जितना हम सभी जानते हैं, फोन तो मोबाइल जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो तो अलाउड ही नहीं होते हैं अंदर। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि पूरे मामले में पीठासीन अधिकारी सहित तमाम जो कर्मचारी अधिकारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया में थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही जो दो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि जो लोग वहां अंदर मतदान करने जा रहे हैं वो मोबाइल लेकर ना जाएं, इस बात की जिम्मेदारी उन लोगों की थी, उनके द्वारा भी काम में लापरवाही बरती गई। इस पूरे मामले को भोपाल कलेक्टर ने बेहद गंभीरता से लिया, तत्काल इस वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए बीजेपी नेता पर FIR दर्ज करा दी गई है। पीठासीन अधिकारी सहित सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही दो जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। देखिए ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी न केवल राजधानी बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तमाम जो खबरें आई कि कई ऐसे लोग हैं जो अपना मोबाइल साथ में लेकर जाते हैं और जब मतदान करते हैं उस वक्त की तस्वीरें जो है वो कैद कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन की जो गोपनीयता है उसको भंग करने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि इस पर लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी FIR कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और राजधानी भोपाल से भी जो मामला सामने आया था इस मामले में भी कलेक्टर के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। जी ये वीडियो सामने कैसे आया था शैलेंद्र? देखिए ये जो वीडियो है ये खुद जो बीजेपी नेता हैं उनकी तरफ से ही सोशल मीडिया पर एक्स पर इसको जो है पोस्ट किया गया था और ये बताया गया था किस तरीके से वो लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चूंकि बीजेपी के नेता हैं और वो बीजेपी को वोट करके आए थे तो लोगों से अपील करने के लिए उन्होंने ये डाला था, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो एक उन्होंने अपने छोटे बच्चा जो कि नाबालिग है उससे उन्होंने बटन दबाया, मोबाइल फोन लेकर गए, तो यहाँ पर हर नियम कानून का